अभी क्या हाल चाल है आप सबका, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज की जो वीडियो है ना बड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि पहली बार इस चैनल पे आज मैं रिव्यू करूंगा एक क्लासिकल गिटार। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने क्लासिकल गिटार की एक अनबॉक्सिंग तो की थी, लेकिन रिव्यू नहीं किया था। उस गिटार का भी रिव्यू मैं जल्दी लाऊंगा, लेकिन आज यहाँ पे जो है बड़े एक स्पेशल क्लासिकल गिटार के साथ जो है मैं रिव्यू का सिलसिला शुरू करना चाहता हूँ। तो भाई यहाँ पे मेरे पास है ये एक बड़ा ही स्पेशल गिटार, ब्रांड आप देख सकते हो कौन सा है। तो चलो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं यार कौन सा क्लासिकल गिटार है ये। क्लासिकल गिटार के साथ देख रहे हो किस तरीके की एलन की मिल रही है, मतलब ट्रस्ट रॉड तो है इस क्लासिकल गिटार में। बड़े अच्छे से पैक हुआ हुआ है और भाई गिटार तो बड़ा ही सही लग रहा है। तो ये है लैग का OC70 क्लासिकल गिटार। और सबसे पहले लैग ब्रांड की बात करें तो यार बहुत से लोग जो इस चैनल को फॉलो करते हैं उनको लैग के बारे में डेफिनेटली पता होगा। मैंने 2020 के एंड में जो है लैग T70 AC मॉडल रिव्यू किया था, वो एक अकूस्टिक स्टील स्ट्रिंग गिटार था। और उसके अलावा 2021 के एंड में मैंने लैग का T88 और फेंडर CD60 SCE को कंपेयर किया था। तो ये जो अकूस्टिक गिटार से लैग T70 ACE और लैग T88 DC ये मेरे को काफ़ी बढ़िया और काफ़ी स्टर्डी लगे थे। लेकिन अब मेरा मन था कि यार लैग का ना एक क्लासिकल गिटार का रिव्यू किया जाए। तो यहाँ पे भाई मैंने ये वाला गिटार सोचा कि इसका रिव्यू करते हैं। अब ये जो है OC70, ये है ऑसिटेनिया सीरीज लैग की, जो कि पूरे एक नायलॉन स्ट्रिंग गिटार्स की सीरीज है। और यहाँ पे आपको है लगभग 4 मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं। करेंटली इंडिया में मैंने इसके 3 मॉडल्स देखे। एक तो ये OC70 जो कि इसका एंट्री लेवल मॉडल है, इसके बाद जो दूसरा मॉडल है वो है OC88 CE और इसके अलावा है OC170 CE। तो यहाँ पे यार प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, क्वालिटी भी और स्पेसिफिकेशंस भी थोड़े प्रीमियम हो जाते हैं इन दोनों मॉडल्स के। मतलब OC88 CE इससे थोड़ा प्रीमियम है और जो OC170 CE है वो 88 CE से भी प्रीमियम है। मतलब 170 CE में आपको जो है ना फिशमैन पिकअप भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल मतलब वो काफ़ी अल्टीमेट क्लासिकल गिटार हो जाता है, पर भाई प्राइस भी फिर उस हिसाब से बढ़ जाता है। तो OC88 CE और OC170 CE में कौन सी वीडियो आप नेक्स्ट देखना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलो अब बात करते हैं स्पेक्स की। तो यहाँ पे जो ये OC70 के स्पेक्स हैं और जो लैग का T70 सीरीज थी जो कि मैंने रिव्यू करी थी, इनके स्पेक्स ना कुछ कुछ सेम है। तो यहाँ पे जैसे कि इस गिटार में भी आपको जो है एक सॉलिड एंगलमेंट स्क्रू स्टॉप देखने को मिल जाता है और काफ़ी बढ़िया ग्रेड का जो है ना यहाँ पे एंगलमेंट स्क्रू स्टॉप यूज़ किया गया है। अब क्लासिकल गिटार में यूजुअली जो है या तो सिडार यूज होता है या इस तरीके का एंगलमेंट स्क्रू स्टॉप यूज़ किया जाता है। तो चलो आगे देखेंगे कि स्क्रू स्टॉप से ओवरऑल कैसी टोन आपको सुनने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे एक खास चीज़ जो मेरे को हर लैग गिटार में देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पे एजेस में ना कोई बाइंडिंग नहीं होती, यहाँ पे टॉप कोई एक्स्ट्रा रख के ना बेंड किया जाता है यहाँ पे साइड्स के साथ। तो यहाँ पे इस तरीके से टॉप को बेंड करके ग्लू करने का मेन बेनिफिट ये रहता है कि यहाँ तो एक तो एजेस जो है ना वो काफ़ी स्मूथ रहते हैं और यहाँ पे ओवरऑल जो टॉप है वो भी काफ़ी स्टर्डी हो जाता है। अब इस गिटार की अगर बैक एंड साइड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है लैमिनेटेड सपेले। जो ये OC70 मॉडल है ये आपको जो है पूरा मैट फिनिश में देखने को मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो नेक है इस गिटार का वो बना है ओकुबे वुड का, और यहाँ पे जो फ्रेटबोर्ड और ब्रिज है वो बना है ब्राउन ब्रैंको वुड का। तो ये जो ब्राउन ब्रैंको वुड है ये बेसिकली रोजवुड का ही एक ऑल्टरनेटिव है और ये मेरे को जो है काफ़ी बढ़िया लगी इस गिटार में। लैग गिटार्स के नेक जॉइंट में एक स्पेशलिटी होती है कि यहाँ पे आपको जो है एक एडिशनल बोल्ट देखने को मिल जाता है जो कि एडिशनल स्ट्रेंथ ऐड करता है नेक में। यहाँ पे जो नट और सैडल है इस गिटार की वो बनी है ग्रेफाइट की। यहाँ जो नट विड्थ है वो है 51 mm। अब यहाँ पे बात करें हार्डवेयर की तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ट्यूनिंग कीज देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे एक स्पेशल फीचर की भी बात की जाए तो यहाँ पे लैग के हर क्लासिकल गिटार में आपको ट्रस रॉड भी मिलती है। तो ट्रस रॉड जो है ना एक कोई नेसेसरी फीचर नहीं है जो कि आपको हर क्लासिकल गिटार में देखने को मिलेगा। जैसे कि मेरे पास अलाम्ब्रा का एक 3C सीड्रो मॉडल है जिसमें ट्रस रॉड नहीं है और वो जो है जब मैंने लिया था अराउंड 30,000 का लिया था। तो भाई ऐसा होता है कि कई ब्रांड जो है वो देते हैं ट्रस रॉड, कहीं नहीं देते, तो ये ब्रांड टू ब्रांड डिफर करता है। पर यार अच्छी चीज़ है कि आपको जो है इस गिटार में इस ब्रांड की सारी रेंज में जो है ट्रस रॉड मिल रही है। इस गिटार में आपको सवारिस ब्रांड की स्ट्रिंग्स देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और राइट आउट ऑफ द बॉक्स आपको जो है गिटार में स्ट्रिंग्स चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे भाई प्राइस की बात करें अब OC70 की,
तो करंटली ये आपको मिल जाता है अराउंड 22 से 23,000 रुपीज की प्राइस रेंज में। और यहाँ अवेलेबिलिटी की बात करें लैग गिटार्स की, तो ये आपको काफी सारे ऑफलाइन स्टोर पे भी देखने को मिल जाएगा और कुछ जो है ऑनलाइन लिस्टिंग्स भी आपको दिख जाएंगी लैग के गिटार्स की। तो सारे जो बेस्ट बाय लिंक्स है और कहाँ कहाँ ये गिटार अवेलेबल होते हैं सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अब जो है इस गिटार का साउंड चेक कर लेते हैं। साउंड वाइज यहाँ पे मेरे को ये गिटार काफी अच्छा लगा और यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस था इस गिटार के साथ, क्योंकि जो मेरे पास क्लासिकल गिटार है उसमें सॉलिड सिडार टॉप है, तो काफी वार्म और मेलो टोन आपको सुनने को मिल जाती है एक सिडार टॉप से। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक सॉलिड एंगलमैन स्प्रूस टॉप है तो ओवरऑल यहाँ पे जो है आपको थोड़ी सी ब्राइटर टोन सुनने को मिलती है व्हेन कंपेयर टू अ सिडार टॉप। और यहाँ पे जो है मेरे को ओवरऑल काफी अच्छा वॉल्यूम प्रोजेक्शन भी इस गिटार से सुनने को मिला, और इसके अलावा जो बेस और हाईज हैं वो भी काफ़ी क्लियर थे। तो ओवरऑल मतलब यार काफ़ी बढ़िया लगा मुझे ये साउंड वाइज। अब यहाँ पे बात करूँ मैं प्लेबिलिटी की और ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस की, तो देखो राइट आउट ऑफ द बॉक्स इस क्लासिकल गिटार का एक्शन जो था वो थोड़ा सा हाई था। और यार यूजुअली मैंने ये देखा है कि जो क्लासिकल गिटार्स का एक्शन होता है वो थोड़ा हायर साइड पे ही होता है आउट ऑफ द बॉक्स, उसको आपको सेटअप कराना पड़ता है एज पर योर नीड। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का मुझे बेनिफिट लगा कि ऑल दो यहाँ एक्शन हाई था लेकिन यहाँ ट्रस रॉड होने की वजह से ना मैंने जो है इसमें एडजस्टमेंट की थोड़ी सी एंड आई गॉट परफेक्ट एक्शन। तो यहाँ पे ट्रस रॉड का बस यही बेनिफिट हो जाता है कि आपको ना सैडल फाइल कराने की जरूरत नहीं है, ट्रस रॉड एडजस्ट करने से भी आपको जो है ऑप्टिमम एक्शन मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्लेबिलिटी की, तो जैसे भी एक्शन आपने एक बार अपने हिसाब से सेट कर लिया है तो आपको ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्लेइंग एक्सपीरियंस मिलेगा इस गिटार से। और यहाँ पे जो नेक प्रोफाइल है इस गिटार की वो भी मेरे को थोड़ी सी स्लीक लगी एज कम्पेयर टू अदर क्लासिकल गिटार जो मैंने ट्राई किए हैं। ओवरऑल जो फ्रेटवर्क है इस गिटार का वो भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। तो इस गिटार में मेरे को जो है सच कोई भी दिक्कत नहीं आई, मैंने इसको जो है कई दिन प्ले करके देखा और मेरे को ओवरऑल मतलब काफ़ी अच्छा ही लगा। तो यार डेफिनेटली जब आप जो है एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है ओवरऑल अच्छी साउंड भी मिलती है और ओवरऑल अच्छी क्वालिटी भी मिलती है। तो 22,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में एक सॉलिड टॉप वाला क्लासिकल गिटार आपको मिल रहा है विद ओवरऑल गुड बिल्ड क्वालिटी,
एंड गुड प्लेइंग एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली दिस इज वैल्यू फॉर मनी। तो आपको ये गिटार कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।